नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू असम व्लॉग्स। सो आज का व्लॉग है मनाली के ऊपर। एक्चुअली मनाली में मैं गया था नवंबर एंड को, नवंबर 2021। तो आप सोच रहे हो कि अभी व्लॉग क्यों डाल रहे हो, तो कुछ नहीं, बस स्टोरेज अपना फुल हो रहा था तो सोचा कहीं तो एडिट करके डाल दो यूट्यूब पे, कुछ तो रहेगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, डालने ही वाला था मैं चैनल पे अपने, और चैनल पे बहुत दिनों से अपनी वीडियो भी नहीं आई थी ना, तो सोचा यही व्लॉग अभी एडिट करके डाल दूँ। तो मनाली गया था मैं कॉलेज की तरफ से अपने, ये जो अटल टनल है इसका स्टडी टूर था, तो उसमें का टूर तो हो गया, स्टडी का पता नहीं। तो अभी आया हूँ तो सोचा आपको भी थोड़ा अटल टनल के बारे में बता दूँ। और बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ बंदे आने वाले थे हमें इसका टूर देने के लिए, पर कुछ परमिशन का इशू हो गया और लेट भी हो गया, टाइमिंग कुछ मैच नहीं हुआ, तो उन्हें हम मिल नहीं पाए, तो हमने ही पूरा टूर कर लिया। ये टनल का टूर मैं भगा देता हूँ क्योंकि मुझे बोर नहीं करना आपको। और टनल के बाद का जो व्यू है ना गाइस, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, मतलब झकास एकदम। वो जो गाना है ना, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, वही याद आ गया। जानता हूँ बहुत बकवास ट्राई था गाना गाने का, तो किसी के कानों से खून निकलने लगा होगा, तो सॉरी इग्नोर कर दो। और ये व्यू देखो गाइस एक बार, व्यू के लिए फुल पैसा वसूल भाई। ऐसा लग रहा था या तो जन्नत धरती पे उतर आई है या हम स्वर्ग में पहुंच गए। तो अटल टनल के बाद नेक्स्ट डे हम गए थे रोहतांग पास को, और जहाँ जाके ऐसा लगा कि भगवान ने जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए, आप ही देख सकते हो। तो अभी हम जहाँ जा रहे थे वो पॉइंट रोहतांग पास के मेन पॉइंट से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर था, और जहाँ जाने के लिए वो जो गाड़ी वाले होते हैं ना, उन्होंने हमसे 500 रुपीज़ पर रेट चार्ज किया था। हम 7 लोग थे तब, पर वो पॉइंट बहुत क्लास है। और ये व्यू देखो गाइस एक बार, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तो आप कभी मनाली आओ तो रोहतांग पास को ज़रूर विजिट करना। सो गाइस यही था मेरा व्लॉग मनाली के ऊपर। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।